हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। एक वीडियो आज के डेट में रिलीज हो चुकी है, जाके चैनल पे जाइए देखिए। ओके, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, बेल आइकन को, और अगर पहली बार आए बेल आइकन को हिट कर लीजिए और सब्सक्राइब भी करिए, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करिए, ताकि अगर आपके पास वीडियो ना पहुँचती हो तो यहाँ पर आपके पास वीडियो पहुँचे। तो इस वीडियो में हमने बात करी है, एक 5 रुपए का ऐसा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर दिखाई दे रहा है जहां पर लगभग 60% के जो रिटर्न्स है वो तुरंत के तुरंत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विद इन फ्यू डेज में ही शायद ये 50% 60% के रिटर्न मिल जाए, बट इसमें बहुत सारी चीजें बता रखी है, उस चीजों को फॉलो डेफिनेटली करिएगा। तो आप उन चीजों को फॉलो करेंगे, याद रखिए कोई भी आपको बीट नहीं कर पाएगा। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो निफ्टी आईटी है, ओके, इसमें किस तरीके का बिहेव चल रहा है, एज वेल एज निफ्टी आईटी के मोस्टली जो स्टॉक्स है उनसे रिलेटेड हम बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट, और जितना हो सके सपोर्ट करिए। देखिए आप लोग यहाँ पर सपोर्ट करना शुरू कर दिया, आप लोगों ने, आप लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर प्यार भी दे रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज को देख भी रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, और हमारी हर एक वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं। तो इन वीडियोज को लाइक कर दीजिए, जो देख रहे हैं इसे भी लाइक कर दीजिए, और हमें कमेंट भी आ रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं, लाइक भी आ रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर ये नंबर दे रखा है, इन नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करके फाइनेंशियल सर्विस का भी लाभ उठा सकते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर निफ्टी आईटी की, बट इसमें कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, याद रखिएगा। जो भी बाइंग सेलिंग करना है वो आपको अपने हिसाब से करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने निफ्टी आईटी में आए थे, निफ्टी आईटी का जब हमने बात करी थी, जब गिरावट लगातार हो रही थी, तो आपको बताया था कि ये यहाँ पर हर्डल्स दिखाई देते हैं, ओके, और इन जो सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल को क्रॉस करना, ओके, अगर वो यहाँ से क्रॉस करते हैं तो डाउनसाइड आ सकती है, बट अगर क्रॉस नहीं करते तो चीजें ऊपर जाती है। देखिए अगेन वही होता हुआ दिखाई दिया, सपोर्ट पर चीजें आई, सपोर्ट पर चीजें आके यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बना हथौड़ा, हथौड़ा मतलब हैमर, ये हैमर पैटर्न होता है। जब एक गिरावट, देखिए मैं टेक्निकल भी साथ साथ आपको बता रहा हूँ, जब हम टेक्निकल की एक चैनल बनाएंगे, ओके, उस पर जब टेक्निकल की बातें करेंगे तब ये सब चीज आएगी, बट आप अगर अभी से ध्यान देंगे तो और समझ में आएगा आपको। तो अगर ये हथौड़ा और जिसे हैमर कहते हैं चार्ट पैटर्न में, अगर ये हैमर कैंडल बन जाती है, कब, जब एक गिरावट होती है, तो याद रखिए एक जंप दिखाई देती है कि यहाँ पर चीजें ऊपर जाके दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पर देखिए हैमर बना, जैसे ही हैमर बना तो देखिए यहाँ पर भी एक अपसाइड दिखाई दी, एज वेल एज यहाँ पर आज भी अपसाइड दिखाई दी। साइड बेस पे अभी शेयर चल रहा है, मैंने आपको बताया था अभी कुछ दिन, क्योंकि अभी अभी फिलहाल में ही रिजल्ट आए हैं, बेहतरीन आ रहे हैं आईटी कंपनीज के रिजल्ट, बिलीव मी बहुत सारी कंपनीज के मिड कैप के रिजल्ट काफी बेहतरीन आ रहे हैं। तो कुछ भागती हुई नजर आ रही है, कुछ साइड बेस आ रही है, और मोस्टली साइड बेस चल रही है, और जैसे ही इन्हें मौका मिलेगा थोड़े बहुत टाइम में, अभी जो 10-15 दिन की और बात है, फेड की मीटिंग होगी, सब चीज हो जाएगा, उसके बाद थोड़ी बहुत गिरावट होके यहाँ पर कंसोलिडेशन होके चीजें जब भागनी शुरू करेगी तो आपको रिटर्न मिलेंगे, बेहतरीन रिटर्न मिलेंगे। निफ्टी आईटी की ही अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी आईटी में मुझे यहाँ पर कितने परसेंट के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं, निफ्टी आईटी में 16% के रिटर्न साफ दिखाई दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। बट हम बात कर रहे हैं निफ्टी आईटी की नहीं, हमें हमें स्टॉक्स खरीदने, ऑब्वियस ही बात है, हम अगर डील करेंगे तो हम निफ्टी आईटी के जो स्टॉक्स है उसमें डील करेंगे, जो आईटी के डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स है उनमें डील करेंगे, तो एक एक करके हम उससे रिलेटेड बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ जायंट से रिलेटेड, जैसे कि टीसीएस। TCS एक बेहतरीन जायंट कंपनी है, आपने देखा ही है कि उसने 10,000 करोड़ रुपीस का भी लेवल यहाँ पर अचीव करता हुआ दिखाई दिया था। तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया और सपोर्ट से यहाँ पर चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दी और यहीं पर ही कंसोलिडेशन कर रहा है, ओके, इसका बाईबैक भी कितने का आया था, 4,500 रुपए का, और जब कभी बाईबैक आता है ना तो ये स्टडी है, याद रखिए वो अपने बाईबैक के प्राइस तक डेफिनेटली पहुंचता है, थोड़ा सा टाइम डेफिनेटली लगेगा, बट जब पहुंचेगा तो याद रखिए सीधे 4,500 रुपए तक अगर ये शेयर पहुंचता है तो 20-25% के रिटर्न सेफली एक बेहतरीन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे शेयर को यहाँ पर छोड़ना बेवकूफी होती है इस केस में। तो 4,500 रुपए के आसपास का था यहाँ पर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यहाँ पर भी देखिए 26-27% के रिटर्न आ रहे हैं, तो क्यों छोड़ रहे हैं ऐसे शेयर को, तो ऐसे शेयर को पकड़ के रखिए, थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन करेगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, बट थोड़ा सा टाइम देंगे, 1 साल के अंदर अंदर, 1.5 साल के अंदर अंदर 4,500 का लेवल टच कर जाएगा, और वो भी कौन से बेहतरीन फंडा, जहाँ पर चीजें आपको घटिया नहीं दिखेगी, यहाँ पर चीजें आपके कोई भी रिस्क नहीं दिखता किसी भी तरीके का। बात करते हैं इन्फोसिस का, इन्फोसिस के भी नंबर ठीक ठाक थे, अच्छे रिजल्ट थे, कंसोलिडेशन मोड में है, और यहाँ पर देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक सपोर्ट चलता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बेहतरीन यहाँ पर सपोर्ट है, ओके,
जब तक इस सपोर्ट के पास है तो याद रखिए चीजें बस यहाँ तक टच करके चीजें ऊपर जाएगी, नीचे गिरती हुई दिखाई नहीं देती। बट अगर इसे तोड़ देती है तो याद रखिए डिफरेंट डिफरेंट पाइवट्स पॉइंट पे आके चीजें रुक सकती है, चाहे यहाँ पर रुक सकती है 1500 के आसपास, फिर यहाँ पर आके 1470 के आसपास भी रुक सकती है, और फिर और भी ज्यादा गिरावट होके शायद ये 1300 रुपए तक भी पहुंच जाए। बट यहाँ पर चीजें बेकार होनी चाहिए मार्केट में, या तो बहुत ज्यादा मंदी आ जानी चाहिए, मार्केट एक साथ गिर जानी चाहिए, उस केसेस में यहाँ पर ये सब चीजें होती हुई दिखाई दे सकती है। अदरवाइज सपोर्ट यही है, और अगर ये पर्टिकुलर लेवल जो ये निकालता है, इस पहले इस लेवल को निकाल देता है 1651 का, ओके, और इस लेवल के आसपास जाता है, धीरे धीरे बढ़ के ये अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंच सकता है। जब निफ्टी आईटी बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये शेयर भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा विप्रो की तो आज रिजल्ट है, जब तक रिजल्ट नहीं देखेंगे तब तक कुछ कहना यहाँ पर बेकार रहेगा। बट टेक्निकल के बेसिस पे भी अगर हम बात कर ले तो उसके बेसिस पे बात कर लेते हैं। एक गिरावट ऑलरेडी इस पर्टिकुलर शेयर में हो चुकी है, यहाँ पर एक सपोर्ट नजर आ रहा था, इस सपोर्ट को भी देखिए, यहाँ पर उस 2-3 दिन पहले भी तोड़ दिया था, आज के दिन अगेन यहाँ पर तोड़ता हुआ दिखाई दिया। अगेन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये शेयर यहाँ पर हमें दिखाई देता है 478, और यहाँ पर हम बात करें 500 रुपए के आसपास, तो इधर ये 492 रुपए के आसपास, तो ये इस रेंज में यहाँ पर शायद घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। रिजल्ट अच्छे आ गए तो शायद यहाँ से ही पलटी मार के इस सपोर्ट को तोड़ के, जो ये सपोर्ट यहाँ पर बना था अभी ये रेजिस्टेंस बन गया है, तो ये रेजिस्टेंस को तोड़ के शायद यहाँ पर भागे और 600 रुपए का लेवल क्रॉस कर ले। तो विप्रो की तरफ यहाँ ध्यान देना है। टेक महिंद्रा के भी रिजल्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग नहीं आए हैं, और यहाँ पर टेक महिंद्रा के रिजल्ट नहीं आए हैं, तो यहाँ पर जब तक ये देखिए ये यहाँ पर सपोर्ट बने हुए, ट्रेंडिंग लाइन यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी खींची हुई है, तो जब तक इस लेवल को यहाँ पर नहीं तोड़ता तो यहाँ तक तब तक सेफ है। बट अगर इस लेवल को तोड़ दिया तो याद रखिए यहाँ पर 1171 और सीधे यहाँ पर 1000 तक भी आने की ये चेष्टा कर सकता है, और इसे ऊपर जाने के लिए इस लेवल को तोड़ना, 1326 को तोड़ना बहुत जरूरी है। इस लेवल को तोड़ा तो यहाँ तक ये शेयर, इस लेवल को और ये जो लाइन के बीच में इस लाइन को अगर क्रॉस कर दिया तो यहाँ तक जाता हुआ दिखाई देता है। टेक महिंद्रा हो गया, अब ये तो हो गया लार्ज कैप। बट अब बात कर लेते हैं कुछ मिड कैप कंपनी, जैसे कि LTI, जैसे कि लार्सन एंड टुब्रो इंफोटेक, बेहतरीन रिजल्ट थे, बिलीव मी मेरे को तो अच्छे लगे, ओके, बट स्टिल शेयर को गिराए जा रहे थे, गिराए जा रहे थे। यहाँ पर एक बात करें तो यहाँ पर देखिए एक पाइवट्स पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा था, ओके, और एक सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा था, ये सपोर्ट यहाँ पर बना, आज के दिन भी यहीं पर ही, जब तक इसे रिस्पेक्ट कर रहा है इस सपोर्ट को तो चीजें अच्छी है। बट अगर ये सपोर्ट टूटा तो चीजें यहाँ तक आ सकती है 4300 रुपए तक, तो इसके लिए भी रेडी रहिएगा। बट अगर गिरती है तो एक स्टॉप लॉस, अगर आप ऊपर की तरफ खेल रहे हैं तो स्टॉप लॉस यहाँ का डेफिनेटली लगा लीजिए। और कौन सा स्टॉप लॉस, जो ये कल की कैंडल, जो परसों की कैंडल बनी थी 4713 रुपए, तो 4710 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 4700 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, उसके हिसाब से आप तेजी करें तो यहाँ तक 6400 रुपए तक ये शेयर दोबारा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे LTTS, काफी बेहतरीन रिजल्ट थे, कहने की बात ही नहीं है, ओके, जबरदस्ती चीजों को नीचे लाई जा रही थी, बट स्टिल यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर एक यहाँ पर ये फॉलोइंग वेज भी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं तो जो इस तरीके का ये वेजेस बनता है, इस केस में क्या होता है कि अगर ये लाइन को ये क्रॉस कर देगा तो यहाँ तक, और इसे भी क्रॉस कर देता है तो और लंबी तेजी हो सकती है। और इसके बाद सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, जब तक ये यहाँ पर है ओके तब तक कुछ नहीं जा रहा, बट इसे तोड़ देता तो नीचे भी जा सकता है, बट यहाँ से गिरता हुआ नहीं, अच्छे रिजल्ट है तो ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से यहाँ तक की भी अगर डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक अच्छे रिटर्न यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, अगर ये यहाँ तक भी जाता है तो देखिए 20-23% के रिटर्न साफ बनते हुए नजर आ रहे हैं। LTTS, LTI की बात कर ली, माइंडट्री को मत भूलिए, काफी बेहतरीन रिजल्ट थे, एवरीथिंग इज गुड विद दिस स्टॉक, और देखिए यहाँ पर जो हमने यहाँ पर ट्रेंडिंग लाइन खींची थी इसी को रिस्पेक्ट देके, ओके, इसी को रिस्पेक्ट देके यहाँ पर ये आता हुआ दिखाई दिया है, और यहाँ पर एक इसने कैंडल बनाई है जो कि यहाँ पर ये कैंडल है, ओके, इस कैंडल का सिंपल सा मतलब होता है कि जब भी इस तरीके की कैंडल बनती है तो गिरावट हो सकती है, और गिरावट होगी तो यहाँ पर ये सपोर्ट काम करेगा, यहाँ सपोर्ट तक आ सकता है, सपोर्ट पे आता है तो यहाँ पर आप चीजें खरीद सकते हैं, बट इसके नीचे जाएगी तो याद रखिए बेकार हो जाएगी, तो एक गिरावट हो सकती है जो कि इसे शायद फिर इन पर्टिकुलर लेवल्स पे ले जा सकती है 2800 के लेवल पे और इस लेवल पे। बट यहाँ से इतने अच्छे रिजल्ट आने के बाद इतनी गिरावट किसी रीजन की वजह से आ सकती है, अदरवाइज मुश्किल है, और यहाँ से जब चीजें ऊपर भागेंगी तो अच्छे खासे रिटर्न बनते हुए नजर आएंगे, तो मैं की तरफ ही आपको क्या करना है ध्यान देना है। इसके अलावा
परसिस्टेंट से रिलेटेड काफी बार वीडियो बनाई है, परसिस्टेंट को हमेशा आपको रिकमेंड किया ही है। और परसिस्टेंट में हमने कल यहाँ पर बाइंग करी थी और कल के दिन में अच्छा खासा 5-6% भागा भी था। आज भी यहाँ पर एक पॉजिटिविटी रही है और इसने एक स्पिनिंग टॉप यहाँ पर एक कैंडल बनाई है। अगर इस कैंडल से ऊपर निकल जाता है तो तेजी होगी जो इसे सीधे यहाँ पर ले जाएगी और यहाँ पर एक इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देते हैं तो ऊपर, और अगर गिरावट होती है तो याद रखिए फिर यहाँ पर ही आता हुआ दिखाई देगा। ये शेयर 3916 रुपए के आसपास आया तो याद रखिए यहाँ पर आके ही ठहरने वाला है गिरने। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर से ज्यादा गिरता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर ये कैंडल और ये जो सपोर्ट है 3700 रुपए तक का, ये सपोर्ट इसके काम आते हुए नजर आएंगे। तो इसके अलावा बात कर लेते हैं केपीआईटी की। केपीआईटी बेहतरीन स्टॉक्स, बेहतरीन रिजल्ट की वजह से ये शेयर देखिए कल के दिन में भागा था, बट इसके बाद लगातार यहाँ पर गिरावट हुई। सपोर्ट अगेन इसके लिए ये जो सपोर्ट है यहाँ पर देखिए, ये सपोर्ट था, इसी का सपोर्ट लेके यहाँ पर सपोर्ट बनाया और इसी का सपोर्ट आगे चलते रहेगा। जब तक इसे सपोर्ट को नहीं तोड़ेगा तब तक चीजें अच्छी है और इसे ऊपर निकलने के लिए यहाँ पर से ऊपर निकलने के लिए ये पर्टिकुलर कैंडल को क्रॉस करना बहुत जरूरी है। ये 600 का लेवल क्रॉस करता है तो यहाँ पर सीधे 639 और 639 का लेवल क्रॉस करता है तो सीधे यहाँ पर जाएगा। देखिए कुछ टाइम पहले ब्रोकर्स ने 1000 रुपए का टारगेट दिया था, एक रैली होती हुई नजर आई थी और वो रैली यहाँ पर कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे सकती है। मुझे आने वाले 3 महीने में यहाँ पर वो रैली 1000 रुपए का लेवल यहाँ पर क्रॉस होता हुआ दिखाई देता है। तो इस शेयर में आप बने रहिए, ध्यान दीजिए इस शेयर की तरफ। बी सॉफ्ट की बात करें, बी सॉफ्ट के रिजल्ट आए नहीं है, अभी तक तो आए नहीं है और इसके बी सॉफ्ट के रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद देखेंगे। तब तक इस रेंज में ये खेलता हुआ दिखाई दे सकता है, बेकार आए तो इस रेंज को तोड़ सकता है, फिर यहाँ पर पिवट पॉइंट बनता हुआ नजर आएगा और अगर बेक अच्छे आते हैं तो इस रेंज को तोड़ के यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बिड़ला सॉफ्ट में ये कहानी है। इसके अलावा बहुत सारे शेयर है, सोनाटा है, सेक्सॉफ्ट है और भी यहाँ पर आर सिस्टम है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पर दिखाई देते हैं तो उनकी तरफ भी ध्यान दीजिए। बहुत सारे पैनी स्टॉक्स है जिनसे रिलेटेड यहाँ पर वीडियो बना रखी है, एक बीसीजी स्टॉक से रिलेटेड वीडियो बना रखी है जहाँ पर आज के दिन अपर सर्किट लगा है, बट यहाँ पर अगर देखें तो हम तो यहाँ पर निकल गए थे 100 रुपए के आसपास, यहाँ पर दोबारा गिरावट हुई, यहाँ पर सोच रहा था मैं, बट अभी रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट के बाद ही यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी में भी देखेंगे। और बेहतरीन बहुत सारे कंपनीज हैं उनकी तरफ भी ध्यान दीजिए। एक पर्टिकुलर स्टॉक्स और है, ई क्लर्क्स एक ही रेंज में अगेन एंड अगेन यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, देखिए यहीं पर ही घूम रहा है, बस यहीं पर ही घूम रहा है। अगर यहाँ पर ये इस रेंज को निकाल देता है 2550 तो एक रैली होगी जो इसे 2900, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू शेप बनती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ तक रैली होगी और इस रैली को निकाल देता है तो और तेजी रैली हो सकती है। तो इसके रिजल्ट आने दीजिए उसके बाद ही यहाँ पर डिसाइड होगा। नीचे की बात करें तो नीचे का लेवल यहाँ पर 2300 के आसपास का इंटैक्ट है, ऊपर का लेवल जब तक ये 2554 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक इसमें रैली आना मुश्किल है, तब तक इसी रेंज में घूमता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स है, इसके अलावा जेंसार भी है, जेंसार की तरफ ध्यान दीजिए, जेंसार भी एक बेहतरीन स्टॉक्स है जिसमें यहाँ पर एक सपोर्ट बना रखा है, जब तक इस सपोर्ट को यहाँ पर ये कैरी करे हुए है तब तक ठीक है, इस सपोर्ट को तोड़ा तो चीजें और नीचे आ सकती है, बिगड़ सकती है और ऊपर जाने के लिए इसे इस लेवल को तोड़ना बहुत जरूरी है जो ये बार बार यहाँ पर कोशिश कर रहा है। ये तोड़ा तो यहाँ पर ये सीधे 440 पे जाएगा और 440 को तोड़ा तो ये लेवल पे जाता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा दो स्टॉक्स की और बात करेंगे फिर इसके बाद वीडियो को यहाँ पर क्लोज करेंगे। एक इंफोसिस के रिजल्ट अच्छे रिजल्ट थे, सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है ऑलरेडी, ये यहाँ पर इसका सपोर्ट है, इसे यहाँ पर मान लीजिए, और आज के दिन जो कैंडल बनी है वो यहाँ पर दिखा रही है कि ये चीजें थोड़ी सी नीचे आ सकती है बट यहाँ पर सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस सपोर्ट के आसपास यहाँ पर चीजें आती है तो मैं यहाँ पर बाइंग करूंगा, 2758 के आसपास, 2700 के आसपास वो चीजें यहाँ पर यहाँ तक के टारगेट के लिए, 3400 रुपए के टारगेट के लिए मैं इसे कैरी करूंगा। तो एम्फेसिस की तरफ आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा मास्टेक एक बेहतरीन स्टॉक्स है, यहाँ पर देखिए बार बार इसने भी इसी सपोर्ट को पकड़ा हुआ है, उस दिन लास्ट टाइम गिरा तो देखिए इसी कैंडल के इसी लाइन के आसपास गिरा, यहाँ पर गिरा तो भी इसी का सपोर्ट लिया, यहाँ पर गिरा आज के दिन तो यहाँ सपोर्ट लिया, बट ये जो कैंडल बनी हुई है ये दिखाती है कि चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ से अगर ये सीधे ऊपर भी जाती है, मैं यहाँ पर से अगर दिखा देता हूँ तो सीधे मेरे को 23 से 24% के रिटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये कैंडल भी दिखा रही है कि चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। रिजल्ट
काफी बेहतरीन रिजल्ट। तो इन कंपनी की तरफ ध्यान दीजिए, बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें, इन्वेस्ट फॉर अवर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, सपोर्ट समझ में आ गया होगा, रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा, और जब हम और अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करेंगे एज वेल एज जब हम चैनल पर बनाएंगे और जब इससे इन टेक्निकल से रिलेटेड बातें करेंगे तो चीजें और क्लियर होती हुई नजर आएगी। तो इन वीडियोज को जाके देखिए, चीजें समझे, तब आपको और चीजें समझ में आएगी। इन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।